यो व्हाट्सअप यूट्यूब के सब सभी लोग वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं हर स्कूल के कहानी के बारे में, मतलब ये सारे इंसिडेंट्स भी आप लोगों के साथ एक बार तो अपने स्कूल में हुए होंगे। और हाँ गाइज एक और बात, ये वीडियो सिर्फ दंत मंजन मनोरंजन के लिए, तो इसे दिल पे ना ले। मैं भी हर टीचर की इज्जत करता हूँ जैसे कि आप लोग करते हो, तो प्लीज़ इसे दिल पे ना ले और इस वीडियो को एक लाइक कर दे और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेन बात तो भूल ही गया। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। अब यार पता नहीं इन स्कूल वालों को असेंबली से इतना क्या प्यार है, विंटर समर मॉनसून चाहे जो भी हो साले सुबह सुबह खड़ा कर देंगे और एक घंटे तक पूरी स्कूल को नॉनस्टॉप ओपन फील्ड में टॉर्चर करेंगे। और साले ये टीचर लोग तो आराम से पीछे छाँव में खड़े होते हैं और सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है हम बच्चों को, साले तंदूरी चिकन बन जाते हैं वहाँ पे खड़े रह रहे के, कितनी धूप होती है साले फिर भी एक घंटे तक खड़ा रहना पड़ता है। और उसमें भी जले पे नमक तब आता है जब साला प्रिंसिपल अपने ऑफिस में एसी में आराम से बैठ के जब असेंबली ख़त्म होने वाली हो तब आता है और अपना भाषण शुरू करता है। और प्रिंसिपल की पूरी स्पीच में लॉजिक के नाम पर क्या होता है, घंटा बाबा जी का ठुल्लू कुछ नहीं, साला सिर्फ यही कहना चाहता है कि तुम लोग बिल्कुल न ले हो, पढ़ाई करो बस कुछ नहीं। और इसी बात को लेके वो 15-20 मिनट तक हमारी चिकन तंदूरी बनाएगा। और प्रिंसिपल की उस भयानक स्पीच के बाद हमें क्लास में जाना होता है और कहानी सिर्फ अभी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। अब हमारी लेने के लिए तैयार बैठा होता है पीटी टीचर। अगर तुमने तुम्हारे बालों के साथ कोई भी थोड़ी सी भी कारीगिरी की है और अगर तुम्हारे बाल थोड़े से भी अच्छे लग रहे हैं तो भाई तुम्हें पीटी टीचर से ना बहुत ज़्यादा खतरा है। और अगर इन बालों के साथ तुम्हारे पीटी टीचर ने तुम्हें देख लिया तो भाई तुम्हारे गुर्दे मुंह में आने वाले हैं भागते भागते। और आ गाइस एक और बात, अगर तुम लोग मुझे पहली बार चिल्लाते हो सुन रहे हो तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।